और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर के कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। जिस तरह से गांधी जी ने दांडी यात्रा करके एक इतिहास बनाया था, आज के युग में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक नया संदेश, नया पैगाम दिया था, खास तौर से तब जब कई वर्षों से हमारे देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा था। स्वयं मंत्री और भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग खुद उस नफरत को हवा दे रहे थे। वहां राहुल गांधी जी के मोहब्बत का पैगाम वाली यात्रा कांग्रेस पार्टी हमेशा जोश खरोश और जश्न के साथ मनाएगी, इसे जन जन तक हमेशा पहुंचाने का काम करेगी। आज उनकी यात्रा का असर है कि देश में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, सत्ता परिवर्तन भी होगा और समाज में भी परिवर्तन होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इस तारीख को एक जश्न के रूप मनाएंगे, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे।